वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं और टाइम बहुत कम है, एक मिनट में निकलता जा रहा है, ऐसे गुजर है टाइम। अच्छा, अब आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं सोफिया जी से पूछना चाह रही थी, जैसे कि आजकल हैशटैग का जमाना है, अगर आपकी लाइफ का कोई हैशटैग हो, मतलब अगर मेरा हो तो मैं मतलब लविंग लाइफ या स्लीपिंग ऑल द टाइम कुछ ऐसा हो, आपकी लाइफ का क्या हैशटैग होगा? नहीं है, मैं थोड़ी इस मामले में सादा कह लो या पेंडू कह लो कोई सादगी पे पेंडू पेंडू अच्छा रहे, सादगी पे सारी ना जाए हे सोफी। लेकिन अगर होगा तो मेरे ख्याल में होगा इब्राहिम, लव लाइफ, एवरीथिंग सेटिस्फेक्शन। मुझे अपने बेटे से आगे कुछ है ही नहीं है, मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कुछ नहीं है। इवन मैं जितना भी काम भी करती हूँ ना, आप यकीन कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि मामा आपने बूढ़े नहीं होना। wow. अच्छा। तो मैं काम इसलिए करती हूँ कि मैं नजर आती रहूंगी और मैं ठीक रहूंगी, मैं फिट रहूंगी। क्योंकि अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी और मैं सिर्फ एक इब्राहिम की अम्मा बन जाऊंगी ना, तो शायद मैं मोटी भी हो जाऊं और शायद मैं उस तरह से फैल जाऊं। मेरी जिंदगी में इब्राहिम और इब्राहिम और इब्राहिम। और एक वर्सेटाइल चीज जो आपने नजर आती है आज की न्यू जनरेशन में, उस चीज का बहुत फुकड़ा है। वो न्यू जनरेशन है, मैं ओल्ड हूं। नहीं नहीं, यू आर बट ओल्ड इज ऑलवेज गुड एंड यू आर नॉट ओल्ड। असल में पता है बात क्या, मैं आपको सही सही बताऊं, ऑनेस्टली एक बात है, कुछ लोग काम करते हैं जरूरत के तहत, कुछ लोग काम करते हैं सिर्फ शौक में। शौक जब आप जरूरत और शौक मिला के काम करते हैं ना, तो आप प्रोफेशनल होते हैं। okay. जब आप सिर्फ शौक से काम करते हैं और एक टैग लगाना चाहते हैं कि मैं स्टार हूँ, मैं मॉडल हूँ और मेरा जो है ना एकदम से पेडस्टल ऊपर हो जाए, exactly. चार लोग मुझे जानेंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, जब वैल्यू बढ़ती है तो ऑब्वियसली लड़का हो या लड़की हो उसकी एक प्राइस टैग भी बन जाता है ना। तो कुछ लोग सिर्फ इस ख्याल से आते हैं शोबिज में या वैसे काम करते हैं। जो बहुत प्रोफेशनल लोग आप देखती हैं ना, जिसमें सानिया सईद साहिबान है, जिसमें नुमान भाई हैं, या और बेशुमार ऐसे फरा है, सादी इमाम है, तो अभी है। तक जो लोग बहुत डेडिकेटेडली काम करें, उन्हें हिट होने के साथ साथ इस बात से भी बहुत ज़्यादा है कि मेरा काम अच्छा है। आपके शो में आने के लिए आपका क्या ख्याल है कि मैं घर से सोई पड़ी उठ के आ गई? मैं एग्जैक्टली 1 बजे सैलून पे थी। ओके। और उससे पहले मैंने अपनी 10 चीजें थी जो कर ली थी, जिसमें जिम, स्विमिंग, बेटे का स्कूल, उसको ड्रॉप करना, एक दो वो भी थे, आईडी कार्ड के इशू भी थे क्योंकि मैं अभी 16 साल की नहीं हुई। एग्जैक्टली आईडी कार्ड बनने देना था। एंड आई एम श्योर कि अगले 10 साल तक के नीचे जबान नहीं आ गई, अगले 10 साल तक होंगी भी नहीं 16 साल की। ये तो मैं तो अभी 12-13। देखिए हमारी बहुत सारी स्टार्स जो हैं वो अभी तक 17 साल की नहीं हुई और आने वाले 20 सालों में होंगी भी नहीं। तो वो आपका प्रोफेशनलिज्म होता है। जब मैं पहुंची भी हूँ तो उस वक्त अभी 1 बजा था और आपका टाइम था 5 बजे। उस सारे में मैंने अपनी पूरी तैयारी की, और ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबी तैयारी, आप कोशिश करते हैं कि आप जहाँ पर पहुँचे आप एक ओवरऑल एक प्रॉपर ब्रांड बन के पहुँचे। देखिए मैं हूँ, मैं सोफिया अहमद हूँ, मैं इस तरह की दिखती हूँ अगर मैं आपके शो में आती हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि शायद आप इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, टाइम पर पहुँच जाना, प्रॉपर रेडी होना, आपके कपड़े अच्छे हों। मुझे लोग कास्ट करते हैं, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जियो का, अब आप देखिए उन्होंने मुझे कास्ट किस बेस पे किया। उन्होंने कहा जी एक तो आपकी उर्दू बहुत क्लियर है, बावजूद इसके कि आप पंजाबी हैं, और दूसरा आप कपड़े बहुत अच्छे पहनती हैं। तो हमें आपकी एक्टिंग पे कोई टेंशन नहीं है, हमें पता है वो आप कर लेंगे। लेकिन हमें ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम आर्टिस्ट जब कास्ट करते हैं ना, तो वो लोग अपने कपड़ों पे पैसे नहीं लगाते, वो कोशिश करते हैं कि बचत कर जाएं। तो ये शायद ये भी प्रोफेशनलिज्म में आता है कि आप अपने गेटअप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें जो आपको कैरेक्टर मिला है। बिल्कुल ठीक। अब तीसरी दफा जब आऊंगी तो ये सवाल नहीं होगा। यहाँ पे एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं समरा बोल रही हूँ। जी समरा क्या कहना चाहेंगी? मेरी शादी हुई थी, पहले तो मेरे माशा 4 बच्चे थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो शोहर जो सही नहीं था, तलाक हो गई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरी शादी हुई है। अच्छा। तो उसमें से बच्चा नहीं है। ठीक है। तो वैसे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है कि तुम्हारे लाभ नहीं है। तो बच्चे के हवाले से आप चाह रही हैं कि कुछ मतलब आपको पढ़ने को बताया जाए ताकि अल्लाह ताला आपको डेट ऑफ बर्थ पूछो ना इसकी। डेट ऑफ बर्थ जी जी। अच्छा आप मुझे अपनी तारीख पैदाइश बताइए। मेरी 10/5/1985।
रिपीट कीजिएगा इसको, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। 1985 आप दोनों का बता दें, 83 वाली और 85 वाली। बताऊं वैसे मेरा ना किसी जमाने में एक शौहर थे, तो किसी जमाने में ना मेरी डाइवोर्स हो चुकी हुई है, तो मेरा और उसका बड़ा झगड़ा रहता था। वटू साहब मेरे वालिद साहब जो है ना वो बड़े जहाँ दीदार से आए समझदार हैं, बहुत सारे झगड़ों के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि गल सुन, जदों मैं तेरे ना लड़ाई शुरू करे ना तो तू कागज़ का एक टुकड़ा फाड़िया कर और दंदा थले रख लिया कर, और जिनी बक बक करदा जाए तू उन्हें कुटी जाएं। और तमीज बन गया ना। आप यकीन करें कोई 6-7 दफा मैंने ऐसा किया, वो पिटने वाला हो गया ना, उसको समझ नहीं आया कि आगे से बोल क्यों नहीं रही। मर्द जो है ना वो रिस्पांस चाहता है औरत का, जो मैंने भी देखा है, जैसे जैसे औरत रिस्पांस देती जाती है वो फ्लेयर अप होके कहता है देखा बदतमीज औरत, बदतमीज जुबान चलाती है, जुबान ही बहुत है, मैं कैसे रहूं इसके साथ। और ना जवाब ना दे तो कहते हैं कि ये तो मुझे कुछ समझती नहीं है, फिर जवाब ही नहीं देती है, खुश ही नहीं होते किसी भी तरीके से। कोई बात है कि ना वो पढ़ी लिखी खातून होती है। इससे पहले हम यासीन साहब से जरा इसका जवाब ले लें। जी यासीन, एक तो मतलब बच्चा इनको हो सकता है अल्लाह की मेहरबानी से, ये तखामत का कसूर होता है ना, और उसको दोष दिया जा रहा है कि वो होता नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके हम सब औलाद होगी, फिक्र करें बर्दाश्त करें। अगर किसी मुख से जिस तरह जनाब सोफिया ने उनको बता दिया तरीका तवीज़ बता दिया, उसी तरह जनाब कागज लेके दो तरफ दबा ले तो बस सुनते रहे, दो दिन सुनाएगा, 4 दिन 10 दिन रखिए अपने आप खामोश हो जाएगा। दूसरा बात सबसे पहले है कि अगर किसी वजह से उसको महसूस होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहले डॉक्टर हकीम के पास जाओ, उसके बाद उसके अल्लाह अल्लाह करो। ये हाँ। ये करने के बाद फिर उसके बाद ये कि नमाज़ पढ़े, दुआ करें और दो नफ़ हाजत पढ़ ले करें, इंशाल्लाह ताला उसको सब बुलाद करके। मैं बात कर रहा हूँ सूफिया की, उन्होंने कहा है कि उनको देखा है कि आप कपड़े अच्छे पहनती हैं, उन्होंने कहा है कि आप अच्छे लगे, असल बात उन्होंने उनको उन्होंने बताया नहीं इनको, नहीं असल बात ये मतलब कहना है कि इनकी इनकी आवाज़ भी अनोखी है, उसमें बड़ी विसलिंग है। आप कभी किसी ने सोचा ही नहीं, मैं मतलब इस बार वो महसूस तो करते हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो वक्त आई भाई साहब की किस किस्म की मिसलिंग आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है ये जो है ना अपने। वैसे तो शीज बॉर्न अदाकार है, बॉर्न आर्टिस्ट है, क्योंकि अपना हो जाए ना कैंसेरियन, ये बहुत बड़े हाँ इंटेलिजेंट है बहुत। अगर जनाब ये ना होती तो बहुत बड़ी सियासतदान होती, ये ना होती हाँ तो सिंगर होती बहुत अच्छी और डांसर बहुत अच्छी होती। मैं बताऊँ हो सकता है इन्होंने डांस किया लाइफ में। अच्छा इन तीन चीजों की अच्छी सिंगर होती ये बात इसमें सारी तकरीबन खूबियाँ इसमें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये इसको मॉडर्न नजर आती है, अल्ट्रा मॉडर्न है, ये वो देखने में ऐसे नजर आती है, अंदर उतनी ही नेक है जी। यकीन करो रूहानी स्पिरिचुअलिज्म जो है कूट कूट के अंदर भरी हुई है। ये घर में मेरे दिमाग का ऐसा होता है कि जब किसी गलती भी हो जाती है जितना मैं जितना ये अल्लाह को मना लेती है दूसरा बंदा आसानी से नहीं मना सकता, अल्लाह आसानी से मेरी बात को मान लेता है। ये मैं बताऊँ आपको ये अजीब मल्टीपल इसकी शख्सियत में अजीब अजीब इसके मुख्तलिफ डायमेंशन है इसकी लाइफ की जिंदगी के। और मैंने इसको गौर से इनको देखा है, इन्होंने मुझे नहीं मैंने कई दफ़ा मेरे को मैं कई दफ़ा होटल में कहीं गए हैं ये चाय पी रही थी लोगों को बात कर रही, मैं इसको ऑब्जर्व करता था मेरा अच्छा। काम है क्योंकि हाँ। आप काफी टाइम पहले से सोफिया जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, पोप अलेक्जेंडर जो है ना कहते हैं, पोप अलेक्जेंडर जो है ना वो कहते हैं दी बेस्ट स्टडी स्टडी ऑन माइनकाइंड मैनकाइंड बेहतरीन इंसान का मुताला बेस्ट स्टडी। और मैंने ये देखा है कि कुरान पाक पहले कुरान पाक के बाद अगर मुताला के करीब दिलचस्प किताब तो इंसान है, इंसान को पढ़ना चाहिए चाहे औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बच्ची हो, जिसको बूढ़ा हो या जवान हो हाँ। ये पढ़ना चाहिए, ये बड़ी दिलचस्प किताब है, अगर कोई बनना पढ़ना शुरू कर दे तो इतना मजा आता है, इतना लुत्फ आता है कि यासीन साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, सरप्राइज कॉलर हैं आपके लिए, सरप्राइज कॉल आ रही है आपकी बर्थडे है। हेलो गेस्ट करने आपको, वालेकुम सलाम, गेस्ट करें सारा, कैसे हैं आप सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं, और आज तो रॉयल टीवी माशाअल्लाह शांत निकले में एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन, और सब मैं अपना तारुफ करा दूं शायद। हाँ मैं करवाती हूँ, ज़ुल्कर्नैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं
इससे पहले कि मैं मेहमानों से बात करूं और कह रहा आप सुना है आप आज आपकी सालगिरह है सर, आज मेरी स्वीट 16 है, स्वीट 14 नहीं सर 16वीं सालगिरह है आज मेरी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। मेरी फनकार ब्रदरी की तरफ से आपको अल्लाह करे आप हजारों, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हर हर साल जो है वो 25,000 दिनों का हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। इतनी बूढ़ी हो जाए आप सर, बूढ़ी होके भी ना मैं इतनी चार्मिंग लगूंगी जैसे आप मुझे हर बार कहते हैं कितनी चार्मिंग लगती हो। सर सोफिया अहमद जी इस वक्त हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज है माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे सोफिया अहमद जी से? सोफिया जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके रफ्तार को आवाज दी तो शायद उन्होंने मेरा दिल क्या किया है। पीटीवी पे हम एक ईद का तो सोफिया उसमें मेरा तो ख्याल है कि पहली था, लेकिन हो सकता है इसमें मैं बिल्कुल गलत कह जाऊँ। जुकी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं बोली नहीं, मैंने कहा आप इसको विश कर लें और सबसे सलाम दुआ ले लें क्योंकि हम तो घर वाली बात है ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। नहीं नहीं घर वाली बात तो इनकी मेरे साथ है ना, मेरे साथ अहद पैमान करके गए। ये कोई सीक्रेट है, वो मैं आपको सीक्रेट रिवील कर रहा हूं। रांझा बड़े अफसोस की बात है। ए रांझा नहीं, मेरा आने वाला रांझा हो, रांझा डूब के मरने वाला आया आपको रिप्लेस करना चाह रही है। मैं अभी समाज में था एक रिकॉर्डिंग में तो मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जी सोफिया आपका ड्रामा भी क्यों होती है? मैंने कहा इसलिए कि वो एक तो आर्टिस्ट बड़ी मंचीली हो गई है माशाल्लाह, दूसरा वो ओबीडियंट है और बड़ी मेरे साथ उनकी बड़ी एसोसिएशन है, बड़ा एहतराम है और मैं हमेशा से उनके वेल विश और दुआ करता हूँ परवरदिगार उनको और तरक्की और इज्जत। आमीन थैंक यू सो मच। जुकी साहब, जुकी साहब से मुझे इतना डर लगता था, इतना डर लगता था हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ये जुकी साहब मेरे हस्बैंड बने हुए थे ना। अच्छा अब कौन काफिर लाइनें करे जाके जुकी साहब से और मैंने पीछे बैठ के लाइन याद करनी है, जब मैंने आके इनके साथ बोलनी तो मैं भूल जाती थी और मुझे लगता था कि अब डांटेंगे लेकिन बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यारे इंसान है। रोगी साहब के अंदर ना बहुत सारे वो है शेड्स हैं, डिफरेंट टाइम्स पे आते हैं वो शेड्स, जिसमें सबसे मजे की ये तब लगते हैं जब ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन मुझे विश करने का और आपकी ढेर सारी दुआओं का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया सर। बात भी पढ़ी लिखी माशाल्लाह जैसे सहरा जी माशाल्लाह, मियां बीवी पढ़े लिखे जो होते हैं ना। हाँ। नहीं, जैसे सहरा जी माशाल्लाह मैं सोफिया सहरा ए तुसी तीजी वाली सॉरी सॉरी तीजी वाली तुसी मेनू सोफिया कह के गल की मैं कराची में लोग सोफिया ने क्या सहरा कह के बोल ही रे ही ने नहीं किया तू शोखा ही हो जाना कुड़िया नु उसमें बोल लेकिन मियां बीवी मियां की तबीयत खराब वो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि बेगम अगर खुदा ना खासा मुझे कुछ हो जाए तो बेगम ने फौरी मुंह पे आकर कहा प्लीज खुदा रे ऐसी बात ना कीजिएगा। मैं भी कह चलो मैं भी अपनी बीवी नजर में अपने हीर नुकमा अच्छा, मैं कह हीरे खुदा ना खासा जे मेनू कुछ हो जाए कहंदे ने कुत्ते का भोंकना करो नहीं मैं क्या अल्लाह करे मैं तैनू दुआवा दे रही सी मेरे हाथ उत्ते सी ने क्या मैं अल्लाह करे मेनू कुछ हो जावे अल्लाह करे चले गए ना। सोफिया जी ये एक बात हो रही थी ग्रूमिंग और एजुकेशन के हवाले से और उसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक मेरी बात है इनके बारे में बात बता रहा था मेरी बात हाँ। स्कॉलर के बारे में एक चीज जो बीच में रह गई मैं आपको बताऊं जी वो बड़ी जरूरी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर सर। भाई लाहौर के आबो हवा में इस कदर नशा फैल गया, सुना है रऊफ आफाक वापस आ गए। व्यूअर्स यहां पे हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, सो कीप वाचिंग रॉयल कैफे एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक।